चैनल पर दिखाया जा रहा साक्षात्कार शैक्षणिक और जागरूकता के मकसद से है। इसका चैनल या इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति का संबंध नहीं है। साक्षात्कार में कही गई बातें, जानकारी इंटरव्यू दे रहे व्यक्ति की अपनी निजी राय है। इसके लिए मुंबई प्रेस चैनल जिम्मेदार नहीं है। साथ ही इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष, धर्म, समुदाय, जात की भावना को ठेस पहुंचाना भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। धोखाधड़ी के कई तरीके आजकल सामने आ रहे हैं। कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है तो कहीं किसी को बैंक के जरिए जो है धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिन पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल होता है। एक ऐसे ही धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं हमारे साथ इस वक्त हैं आलम अली साहब। इनके साथ कुछ इस तरीके से धोखाधड़ी हुई है कि इनके एक जानने वाले ने इनसे कहा कि आप गाड़ी खरीद लीजिए और उस गाड़ी को एक अमुक कंपनी में लगा दीजिए और उससे अच्छी प्रॉफिट आएगी। इन्होंने कोरोना के दौरान, सभी जानते हैं आप कि किस तरीके से हालात हुए, आर्थिक हालात इनके ठीक नहीं थे, लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके से पैसे का बंदोबस्त करके गाड़ियां खरीदी और ओला नाम की कंपनी में इन्होंने अपनी गाड़ी लगा दी। और उसके बाद जिस शख्स के जरिए इन्होंने गाड़ी लगाई वो इनका दोस्त था स्कूल के ज़माने का, लेकिन जो है उसने इनके साथ धोखाधड़ी की और बाद में इनकी गाड़ियों को बेच दिया। अब जो है ये मारे मारे फिर रहे हैं, ना तो इन्हें गाड़ियों के पैसे मिल रहे हैं और ना ही जो है पुलिस की तरफ से इन्हें न्याय मिल रहा है। काफ़ी लंबे समय से ये परेशान है, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। आलम साहब, हम जानना चाहेंगे इस जो धोखाधड़ी की शुरुआत कैसे हुई, कब मुलाकात हुई आपसे? सर, जैसे कि सब जानते हैं कि लॉकडाउन में सब बंद था, लोग अपने घरों पर ही थे, तो उसी दौरान मुझे मेरे एक स्कूल का क्लासमेट मुझे टकराया और उस वक्त सब घर में थे तो उससे थोड़ी करीबी बढ़ गई, जिस तरह से स्कूल के टाइम थे। उसने मुझे कन्विंस किया कि आप जो है मेरे साथ में ओला में काम करो और इस तरह से मेरी भी मदद हो जाएगी, मैं घर पर खाली बैठा हुआ हूँ, आप जो है ओला में गाड़ियाँ लगा दो, मैं आपको इसका जो है इसका प्रॉफिट दूंगा, इस तरह से मेरी भी मदद हो जाएगी, मेरी जो है रोज़ी रोज़गार सब बंद है, मेरे भी बच्चे परेशान हैं, मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। तो उसकी इन बातों में आकर के मैंने कहीं ना कहीं से, आप जानते हैं कि 2 साल से वैसे सब कारोबार बंद थे, यहाँ वहाँ से मैंने कर्ज़ा ले करके, घर में थोड़ा गोल्ड पड़ा था, वो गोल्ड मैंने बेच करके थोड़ा बैंक से फाइनेंस ले करके मैंने जो है 2 गाड़ियाँ ली। उसने बोला कि एक गाड़ी से हम लोग मेंटेनेंस को कवर कर सकते हैं और दूसरी गाड़ी का प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है 2 गाड़ियाँ मैंने परचेस करी और उसने जो है मुझे साथ में लेकर जाकर ओला के अंदर गाड़ी अटैच करवा दी। कुछ दिनों तो ठीक चला, मुझे दिख रहा था सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, मेरी गाड़ियाँ मेरी नज़रों के सामने थी और जहाँ भी चलती जाती थी तो मुझे पता चलता था। लेकिन उसने जो मुझसे वादा किया था जो पैसे देने के लिए, वो मुझे कभी दे नहीं पाया। ओला में गाड़ी लगने के बाद आपको वो प्रॉफिट नहीं मिला तो आपको उसने कहा कि ये गाड़ियाँ प्राइवेट में लगा दीजिए, तो प्राइवेट में लगाने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ? उसने मुझे यह आश्वासन दिया कि हम लोग अगर उसको गाड़ियों को बाहर चलाएं तो इसका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा और मैंने जो तुमसे वादा किया उसके हिसाब से मैं आपको पैसा मैं दे पाऊँगा। तो मैं राज़ी हो गया क्योंकि अब तक तक सारे मामला ठीक चल रहे थे, भले पैसे कम आ रहे थे लेकिन आ रहे थे। उसने जो है ये बोल करके गाड़ियाँ मेरे नज़रों से दूर किया, बाहर लगाया और अचानक ही गाड़ियों का कुछ भी उसने मुझे बताना छोड़ दिया, मेरी गाड़ियाँ कहाँ हैं, बहुत पूछने पर बताता नहीं था, कभी बोलने लगा कि पूना में, कभी कहीं बोलता है, कभी कहीं बोलता है, कभी बोलता है कि गैरेज में है। तो हमारी कई बार कहा सुनी हुई, अचानक एक बार जो है वो लाउड हो गया और मारने पीटने की धमकी देने लगा, गाली गलौज करने लगा और मुझे बोलने लगा जा तुझे जो करना वो कर ले, गाड़ी अब तुझे नहीं मिलेगी, गाड़ी मैं बेच दिया हूँ और तुझे मैं पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने फिर पुलिस में शिकायत करी लेकिन वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, हम लोग फिर हाईकोर्ट गए, फिर हाईकोर्ट के अंदर हम लोगों ने रिट फाइल करी, वहाँ से फिर जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करी। जब वहाँ से जब रिट फाइल हुई तो पुलिस ने जो है केस को रजिस्टर किया, केस रजिस्टर होने के बाद में भी वो अरेस्ट नहीं हुआ, उसको 41A का जैसी नोटिस मिला, वो सेशन कोर्ट चला गया, वहाँ से उसको इंटरिम मिल गई।
अब वहाँ पर भी हम लोगों ने इंटरवेनर बन के उसकी बेल को अपोज किया। 2.5 महीने के बाद में जज को हम लोगों ने सारे ट्रांजैक्शन सारी चीज़ें बताई। जज ने हमारे दोनों के आर्ग्यूमेंट सुने और उसको आरोपी पाया और पुलिस को बोला कि तुम जो है उसको अरेस्ट करो। लेकिन अभी वो है आरोपी फरार हो गया एरिया से। अभी 10 दिन हो गए लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है उसका कहाँ पर है। मैं स्टेबल था, सब कुछ देख रहा था, कर रहा था, लेकिन आज इस वजह से किसी की मदद करने के चक्कर में आज ऐसा हो गया कि वो कहावत थी कि एक डूबने वाला जो है बचाने वाले को भी लेके डूब जाता है, वो कहानी हो गई कि आज। तो अभी आप कहाँ, किस इलाके में रहते हैं और कौन से पुलिस में मामला दर्ज है? पूरा नाम आप अपना बता दीजिए और कौन से पुलिस में मामला दर्ज है? मेरा पूरा नाम आलम अली खान है और ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के अंदर ही पूरा मामला दर्ज है। और जो जिसने मेरे साथ में ये किया है उसका नाम है इमरान खान अहमद अली। तो मेरी यही गुजारिश है कि पुलिस उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे और मेरे साथ में न्याय करे। और वो मुझी के साथ में नहीं, उसने कई और लोगों के साथ में भी यही किया है। धोखाधड़ी जो है उसके पेशे में शुमार है। और उसने पुलिस की जानकारी में जो पुलिस ने तफ्तीश की है उसमें आया है कि आपने खुद छानबीन की है इलाके में, उसमें पता चला? पुलिस ने खुद तफ्तीश करी, जब मेरा मामला सामने आया, जब पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की, तब उसके सामने पुलिस के सामने आया कि ये जो है काफ़ी टाइम से करते आया है। अब उसका मोबाइल तो CDR वगैरह ट्रेस पे है। उसने और भी लोगों के साथ में जो किया, कभी BMC ऑफिसर बन के लोगों के साथ में पैसा लिया, कभी एक गाड़ी 2 लोगों को बेच दी। तो मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों को समाज से बाहर रखा जाए, ताकि हम तो जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ और लोग हो सकते हैं कि जो लड़ भी नहीं सके और परेशानी में कुछ अपने आप को या अपनी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा दे। आप क्या करते हैं? सर, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, निर्माण कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, कंस्ट्रक्शन में काम करता हूं मैं। तो पुलिस ने, जैसा कि आपने देखा कि पीड़ित ने बताया कि किस तरीके से, ये कब का मामला है? सर, इसमें हम लोग परेशान होते होते 11 महीने हो गए। 11 महीने से हम लोग इस पर कोशिश कर रहे, 11 महीने हो गए सर हम लोगों को। और पुलिस में केस कब आया है, कब? आठवां महीने में केस रजिस्टर हुआ उसके ऊपर। अगस्त में 8 अगस्त को केस रजिस्टर हुआ और अभी 18 तारीख को उसकी जो है बेल रिजेक्ट हुई है सेशन कोर्ट से। बेल रिजेक्ट होने के बाद भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया? बेल रिजेक्ट होते ही वो एरिया से गायब हो गया। पुलिस तफ्तीश कर रही है, हमसे तो यही बोल रही है पुलिस कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ट्रेस पर है, हम छानबीन कर रहे हैं, हम जाते हैं तो हमसे तो यही बोलती है पुलिस। तो इस तरीके से आपने देखा कि पीड़ित किस तरीके से परेशान है, करीब लाखों रुपए का इनका नुकसान है और ऊपर से आरोपी की धमकियां इन्हें मिलती है और आरोपी और पुलिस की मिलीभगत के ही बदौलत ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है और अब जो है आरोपी फरार हो चुका है और पुलिस पीड़ित को इस बात का भरोसा दिला रही है कि जब आरोपी को गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाएगा। कैमरामैन अमीन खान के साथ रेहान हुसैन, मुंबई प्रेस, मुंबई। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।